ये कैसा समाजवाद जहां साइकिल यात्रा के दौरान नाबालिगों से साइकिल चलवाया जा रहा है, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, जिनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में समाजवाद का झंडा दिया गया। इस रैली में एक और नजारा देखने को मिला जहां भारी भरकम भीड़ ने सड़क जाम कर दिया, जिसमें एक समाजवादी एम्बुलेंस फंस गया, जिसमें एक गंभीर मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का गौरी बाजार क्षेत्र, जहां आज देवरिया सदर क्षेत्र के सपा से भावी प्रत्याशी तेज प्रताप जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के 4 साल के कार्यों को जनता के बीच में साइकिल चलाकर बताया गया। इस दौरान प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता अति उत्साहित होकर अपने मुखिया द्वारा दिए गए निर्देश को भूल गए और साइकिल यात्रा की कमान उन हाथों में सौंप दी गई जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। भीड़ में लोग उत्साहित थे और बीच सड़क पर चल रहे थे, उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि पीछे पूरा जाम लग गया है। इसी जाम में एक समाजवादी एम्बुलेंस एक गंभीर मरीज को लेकर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जा रहा था। एम्बुलेंस का ड्राइवर काफी देर से सायरन बजा रहा था, जो समाजवादियों को कतई सुनाई नहीं दे रहा था और एम्बुलेंस जाम में फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के झंडे को सड़क पर वैसे ही रख दिया गया, जिससे जैसे उन्हें उससे कोई सरोकार ही न हो। इस यात्रा के दौरान सपा के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सपा के भावी प्रत्याशी तेज प्रताप ने कहा कि बच्चे खुद ही हमारी पार्टी से प्रेरित हैं। ऐसा झंडा कर ऐसा नहीं, अब छोटे छोटे बच्चों का उत्साह है कि अकेले से आदो के हम साथ रहेंगे मुख्यमंत्री के कार्य योजनाओं में। इस मामले में जब हमने जिला उपाध्यक्ष उमेश नारायण से बात की तो उनका मानना था कि यह गलत है, इसकी जांच होगी, अगर यह दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के दौरान अगर किसी नेता ने झंडे को जमीन पर फेंका है और बड़े पैमाने पर जमीन पर झंडे थे, तो वो एकदम पार्टी का अपमान है, झंडे का अपमान है। नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, इन सभी लोगों का अपमान, अगर झंडा नीचे उस पर उनका नाम लिखा हुआ है और साइकिल चुनाव चिन्ह बना हुआ है, तो ये किसी ने भी किया अगर ऐसा हुआ है तो अपमान है, पार्टी का अपमान, झंडे का अपमान है।